स्टूडेंट्स, चैप्टर टू एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस सॉल्यूशन, पीएच स्केल। हम पहले पढ़ चुके हैं कि जब हम किसी भी एसिड को वाटर में मिक्स करते हैं तो वो आयोनाइज होकर के हाइड्रोजन आयन का फॉर्मेशन करता है। ऐसे ही जो बेस रहते हैं, जब हम उसको वाटर में मिक्स करते हैं तो वहां पर वो OH आयन का फॉर्मेशन करता है। साथ ही हमने ये भी पढ़ा था कि कोई एसिड स्ट्रॉन्ग होता है या वीक होता है, कोई बेस स्ट्रॉन्ग है या वीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड थे जिसको हम वाटर में जब डिसॉल्व करते हैं तो वाटर में डिसॉल्व करने पर जब वो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं तब हम उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। और ऐसे एसिड जो कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होते उन एसिड्स को हमने नाम दिया था वीक एसिड का। सेम ऐसे ही हमने स्ट्रॉन्ग बेस किसे कहा था कि जब हम बेस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो कम्प्लीटली आयोनाइज होगा और OH आयन देगा, तब हम उसको बोल रहे थे स्ट्रॉन्ग बेस। और अगर वो कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होता है तब हमने उसको बोला था वीक बेस। अब ये एसिड या बेस कितने स्ट्रॉन्ग है हम कैसे पता लगाएंगे, तो इससे हम बताते हैं पीएच स्केल की हेल्प से। तो क्या होती है पीएच स्केल? जो प्योर वाटर होता है, डिस्टिल वाटर जिसको हम बोलते हैं, वो स्लाइटली आयोनाइज होता है और फॉर्मेशन करता है हाइड्रोजन आयन का और OH आयन का। तो वहां पर हाइड्रोजन आयन और OH आयन जो रहते हैं हमारे, हाइड्रोक्सिल आयन या हम हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं इसे, तो ये जो आयन्स रहते हैं वो इक्वल रहते हैं। मीन्स हाइड्रोजन आयन और हमारे हाइड्रोक्सिल आयन जो रहते हैं वो इक्वल रहते हैं। तो ये जो वाटर रहता है ना तो ये एसिडिक नेचर शो करता है ना ही बेसिक नेचर शो करता है। पर जब हम किसी भी एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हमें मालूम है कि वो कौन सा आयन प्रोड्यूस करते हैं, वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होगा मतलब हमारे पास में जो वाटर है, ये जो तुम्हारा सॉल्यूशन बन रहा है उसके अंदर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन का नंबर इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन आयन का नंबर तो इंक्रीज होता ही है पर यहाँ पर हमारे पास में उस सॉल्यूशन में OH आयन भी रहते हैं। और ये OH आयन कहाँ से आते हैं, जो वाटर रहता है, वाटर जब आयोनाइज होता है तो उसके कुछ OH आयन कहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं, वाटर के अंदर या उस सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, मीन उस वाटर में प्रेजेंट है जिसमें हमने एसिड को मिलाया था। तो हम वहां पर बोल सकते हैं कि वहां पर हाइड्रोजन आयन तो बहुत ज्यादा रहते हैं लेकिन OH आयन जो रहते हैं वो बहुत ही ज्यादा कम होते हैं। सेम ऐसे ही है कि यदि हम किसी बेस को वाटर में मिक्स करते हैं तो वाटर में मिक्स करेंगे तो बेस आयोनाइज होगा, फॉर्मेशन करेगा OH आयन का। वहां पर OH आयन का कंसंट्रेशन जो रहता है वो इंक्रीज होता है पर उस वाटर में कुछ हाइड्रोजन आयन भी रहते हैं जो वाटर के स्लाइटली आयोनाइज होने से बनते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो बेस जिस वाटर में हमने मिक्स किया वहां पर OH आयन तो थे ही, साथ में वहां पर हाइड्रोजन आयन भी थे। तो ये जो हाइड्रोजन आयन हमने देखा, ये दोनों ही सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन है। अगर हम एसिड को मिक्स कर रहे हैं वाटर में वहां पर भी हाइड्रोजन आयन है, और जब हम बेस को मिक्स कर रहे हैं वाटर के अंदर वहां पर भी हाइड्रोजन आयन है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कितना है इसको हम मेजर करते हैं किस स्केल से, पीएच स्केल से। यहाँ पर जो पी है, पी का मतलब होता है पोटेंश। पोटेंश एक जर्मन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है पावर, और एच है हाइड्रोजन आयन, मींस उस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन जो है उसकी पावर जो है वो कितनी है। तो पीएच स्केल हम इसलिए यूज करते हैं कि वहां पर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन, हमारा जो सॉल्यूशन बना है उसमें हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कितना है इसको हम मेजर करते हैं पीएच स्केल से। तो पीएच स्केल जो होती है, हम जो बात कर रहे हैं कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितना है, हम पीएच वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो जो पीएच वैल्यू हमें फाइंड करने के लिए इंडिकेटर्स का यूज किया जाता है, ये इंडिकेटर्स होते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। हम देखेंगे कि जो किसी भी सॉल्यूशन का पीएच होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के। क्या मतलब होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का? यदि हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कम होगा तो पीएच की वैल्यू ज्यादा होगी, और हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो पीएच की वैल्यू जो होगी वो कम होगी। तो हम देखेंगे यहाँ पर
कि जो हमारा क्या है कि पीएच जो होता है किसी भी सॉल्यूशन का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कहाँ किसके हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के, कि उस सॉल्यूशन में कितने हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो पीएच स्केल जो रहती है, पीएच स्केल में यहाँ पर जो नंबर्स दिए गए हैं पीएच स्केल पर वो नंबर दिए गए हैं 0 to 7 एंड 7 to 40, ये नंबर दिए गए हैं। और जो सॉल्यूशंस न्यूट्रल होते हैं मींस ना तो वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं ना ही वो बेसिक प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, या हम बोल सकते हैं कि उसमें हाइड्रोजन आयन का और हाइड्रोक्सिल आयन का, एच आयन और ओ एच आयन का कंसेंट्रेशन सेम होता है, तो हम ऐसे सॉल्यूशंस को बोलते हैं न्यूट्रल सॉल्यूशन। और जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होते हैं वो 7 pH वैल्यू को शो करते हैं। तो न्यूट्रल सब्सटेंसेस हैव अ पीएच ऑफ एग्जैक्टली 7, उनकी पीएच वैल्यू कितनी होगी 7 होगी। और अगर कोई सॉल्यूशन एसिडिक होता है तो उसकी पीएच वैल्यू जो होगी वो लेस देन 7 होती है, यानी कि 0 से लेकर के 7 के बीच की वैल्यू होती है, एग्जैक्ट 7 नहीं होगी, 7 से कम होगी। तो जो एसिडिक सॉल्यूशन रहते हैं या हम बोल सकते हैं कि जो एसिड्स होते हैं उनकी पीएच वैल्यू क्या होती है, लेस देन 7 होती है। और जो बेसिस होते हैं या बेसिक सॉल्यूशन होते हैं उनकी पीएच वैल्यू जो होती है वो 7 से 14 के बीच में होती है, मीन्स 7 नहीं होगी, 7 से 14 के बीच की वैल्यू जो होगी वो किसकी होगी, बेसिक सॉल्यूशन की। पीएच स्केल में हम क्या देखते हैं, हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन देखते हैं। तो हम देखते हैं पीएच स्केल को, पीएच स्केल जो है इसमें आपको ये जो शेडेड पोर्शन देख रहा है इसे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को शो किया गया है इसमें, और ये जो दूसरा पार्ट है इसमें ओएच आयन के कंसंट्रेशन को शो किया गया है। अभी हमने बात की कि वैल्यू जो है वो 0 से लेकर के 14 तक होती है। अगर किसी भी सॉल्यूशन का पीएच अगर 7 है तो वो सॉल्यूशन कैसा होगा, वो न्यूट्रल होगा, मीन्स ना तो वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है ना ही वो बेसिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है, और उसमें हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन और ओ एच आयन का कंसंट्रेशन जो होगा वो इक्वल होगा, मतलब हाइड्रोजन आयन और ओ एच आयन जो होंगे वो इक्वल होंगे। अब अगर हम इस साइड आते हैं तो हम क्या देखेंगे कि जो 0 से 7 तक की वैल्यू है, इसके बीच की जो वैल्यूज है वो किसके लिए है, वो एसिड्स के लिए है। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये पार्ट जो है, इस पार्ट में आपको हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा दिखाई दे रहा है और ओ एच आयन का कंसंट्रेशन जो है वो कम दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जिस सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू कम होगी, यानी कि 0 होगी 1 होगी 2 होगी, इट मीन्स क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो है वो क्या है, ज्यादा है, मीन्स ये एसिड जो होगा वो उतना ही स्ट्रांग होगा। जैसे जैसे हम इस तरफ बढ़ रहे हैं हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन तो कम हो रहा है लेकिन पीएच की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो पीएच की वैल्यू इंक्रीज होगी, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कम होगा, तो इस तरफ जो एसिड्स हैं जिनकी वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है वो कैसे होंगे, वो वीक, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यूज जो है वो बेसिस की पीएच वैल्यूज है। इसमें हम देखेंगे कि हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज हो रहा है और ओएच आयन का कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन जो भी डिक्रीज हो रहा है, वैल्यूज जो है वो क्या होगी, इंक्रीज हो रही होगी। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि पीएच वैल्यू जो है वो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की क्या रेसिप्रोकल है, तो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन जैसे जैसे कम होता जा रहा है वैसे वैसे पीएच वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि इस तरफ अगर हम आएंगे 7 से 0 की तरफ तो एसिडिक नेचर जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है और ओएच आयन का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है। और जब हम 7 से 14 तक जाएंगे तब यहाँ पर हम देखते हैं कि बेसिक नेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ओएच आयन कंसंट्रेशन जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और एच आयन कंसंट्रेशन जो होगा वो डिक्रीज हो रहा है। तो इस तरह से हम पीएच स्केल की हेल्प से बता सकते हैं कि कौन सा एसिड कितना स्ट्रांग है और कितना वीक है, बेस कितना स्ट्रांग है कितना वीक है। अब हम बात करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर की। आपको याद होगा कि जब हम किसी भी एसिड में ब्लू लिटमस को डालते हैं तो ब्लू लिटमस रेड हो जाता है, जब हम किसी भी बेस में रेड लिटमस को डालते हैं तो वो ब्लू हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो लिटमस है इसे हम पता लगाते हैं
कि कौन सा सॉल्यूशन एसिड है, कौन सा सॉल्यूशन बेस है। इसको हम बोलते हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स हमें इंडिकेट करते हैं कि ये सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है। अब अगर हम एसिड लेते हैं, हमने सपोज कीजिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, हमने एसिडिक एसिड लिया, तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हमारी ऑलरेडी बात हो चुकी है कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, क्योंकि वो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है। और जो एसिडिक एसिड रहता है जिसका फॉर्मूला था CH3COOH, तो ये जो एसिड होता है वीक एसिड। क्यों होता है वीक एसिड? क्योंकि ये कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं हो रहा था। तो ये कैसा एसिड था? ये वीक एसिड था। अब अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एसिडिक एसिड दोनों में ही अगर हम ब्लू इंडिकेटर डालते हैं तो हम देखेंगे ब्लू इंडिकेटर रेड हो जाएगा। पर ब्लू इंडिकेटर यूज करने से हमें यहाँ पर ये नहीं पता चल पाता है कि जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। कौन सा एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है, इसके लिए हम यूज करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर, क्योंकि यूनिवर्सल इंडिकेटर अलग अलग स्ट्रेंथ के हिसाब से अलग अलग कलर देते हैं। इनकी कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में वो अलग कलर देंगे, वीक एसिड के साथ में अलग कलर देंगे। यूनिवर्सल इंडिकेटर बहुत सारे इंडिकेटर का मिक्सचर होते हैं, या हम बोल सकते हैं डाइस का मिक्सचर होते हैं। तो आपका है इट इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी डिफरेंट इंडिकेटर्स और डाइस व्हिच गिव्स डिफरेंट कलर एट अ डिफरेंट पीएच वैल्यू ऑफ द पीएच स्केल। यानी कि हमारे जो पीएच स्केल है उस पर वो अलग अलग वैल्यू के हिसाब से क्या करेंगे, अलग अलग कलर देंगे। अगर पीएच वैल्यू 1 है तो इंडिकेटर डिफरेंट कलर देगा, पीएच वैल्यू 5 है तो जो इंडिकेटर है हमारा कौन सा यूनिवर्सल इंडिकेटर वो डिफरेंट कलर देगा, 7 है तो डिफरेंट कलर है, 13 है तो डिफरेंट कलर दे रहा है। तो इस तरह से यूनिवर्सल इंडिकेटर की हेल्प से हम पता लगा सकते हैं कि किसी भी एसिड या बेस की पीएच वैल्यू जो है वो कितनी है। तो हम देखते हैं कि जो हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर है वो किस पीएच वैल्यू पर कौन सा कलर देता है। तो यहाँ पर देखेंगे अगर पीएच वैल्यू 0 होती है तो ये इंडिकेटर डार्क रेड कलर शो करते हैं, अगर वैल्यू 1 है तो ये इंडिकेटर रेड कलर देते हैं, 2 वैल्यू होगी तो भी ये इंडिकेटर कौन सा कलर देंगे, रेड कलर देंगे, अगर पीएच वैल्यू 3 है तो ये शो करते हैं ऑरेंज रेड, 4 होगी तो शो करेंगे ऑरेंज कलर, अगर पीएच वैल्यू 5 है तो ये शो करते हैं ऑरेंज येलो कलर, पीएच वैल्यू 6 होगी तो ग्रीनिश येलो, 7 पीएच वैल्यू पर देते हैं ये ग्रीन कलर, 8 पीएच वैल्यू जब होगी तब ग्रीनिश ब्लू होगा, 9 अगर होगी तो ये ब्लू कलर शो करेंगे, 10 पीएच वैल्यू पर नेवी ब्लू कलर शो करते हैं, 11 पीएच वैल्यू पर पर्पल कलर शो करेंगे, 12 पीएच वैल्यू पर डार्क पर्पल कलर देते हैं, 13 और 14 दोनों पीएच वैल्यू पर ये वायलेट कलर देते हैं। पर यहाँ पर जो 13 पर जो वायलेट कलर होता है वो थोड़ा सा लाइट होता है और 14 पीएच वैल्यू पर जो कलर होता है वो डार्क वायलेट कलर होता है। तो इस तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट कलर की हेल्प से हम पीएच वैल्यू को बता सकते हैं। और यहाँ पर जो डिफरेंट डिफरेंट कलर हमें कौन दे रहा है, हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर देता है। अब हम देखते हैं एक्टिविटी, एक्टिविटी 2.11। इस एक्टिविटी में आपको कुछ सॉल्यूशंस दिए हुए हैं। सॉल्यूशन है सलाइवा बिफोर मील, सलाइवा आफ्टर मील, लेमन जूस, कलरलेस एनिटेड ड्रिंक जिसमें स्प्राइट वगैरह हम देख सकते हैं, कैरेट जूस, कॉफी, टोमेटो जूस, टैप वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इन सॉल्यूशंस में आपको बताना है पीएच वैल्यू, अप्रोक्सीमेट पीएच वैल्यू क्या है। तो कैसे पता लगाएंगे पीएच वैल्यू, इसके लिए हम लेंगे पीएच पेपर, इन पीएच पेपर को इन सॉल्यूशंस में डिप किया जाएगा, पीएच पेपर का कलर चेंज होगा, इस कलर को हम मैच करेंगे हमारी पीएच स्केल से और पीएच स्केल के बेस पर हम निकालेंगे पीएच वैल्यू को। तो पीएच वैल्यू आने के बाद में हम पता लगाएंगे कि जो सॉल्यूशंस दिए हुए हैं हमारे पास में वो कौन सा सॉल्यूशन कितना एसिडिक है, कितना बेसिक है, मींस उसकी स्ट्रेंथ जो है वो क्या है। अब हम इस एक्टिविटी को कैसे परफॉर्म करेंगे, एक्टिविटी करने के लिए हम वॉश ग्लास लेंगे, उन वॉश ग्लासेस में
क्या करेंगे, इन सॉल्यूशंस को हम डाल देंगे। हमारे पास में 10 सॉल्यूशंस है, हम 10 वॉश ग्लास लेंगे, 10 वॉश ग्लास में इन सॉल्यूशंस को अलग अलग डाल देंगे और हर सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, पीएच पेपर को डिप करेंगे। जब हम पीएच पेपर को डिप करेंगे उसका कलर चेंज हो जाएगा और उस कलर को हम किससे मैच करेंगे, हमारे पास में जो पीएच स्केल दी हुई है उस पीएच स्केल से हम क्या करेंगे, इस कलर को मैच करेंगे और उस कलर के बेस पर हम निकाल देंगे पीएच वैल्यू और साथ में हम पता लगाएंगे नेचर। इस एक्टिविटी को कंप्लीट करने के बाद में जो हमने ऑब्जर्व किया वो ऑब्जर्वेशन कुछ इस तरह से है, तो देखते हैं ये ऑब्जर्वेशन। इसमें यहाँ पर जो सलाइवा था बिफोर मील, जब हमने इसमें पीएच पेपर को डिप किया तो वहां पर इसका कलर कैसा हुआ, ग्रीनिश ब्लू हो गया था पीएच पेपर का। यहाँ पर पीएच वैल्यू कितनी है, 7.4 है। तो यहाँ पर हम एक रेंज देखते हैं, देखिए क्या रेंज है कि अगर पीएच 0 से 3 तक होता है तो वो कैसे एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्गली एसिड्स होते हैं। 3 to 5 में वो मॉडरेटली एसिडिक नेचर शो करते हैं, 5 to 7 में वो वीकली एसिड्स होते हैं, मींस हम बोल सकते हैं लेस देन 7। इसी तरह से अगर पीएच वैल्यू 7 to 9 होती है तो वो वीकली बेसिस होते हैं, अगर 9 to 12 है तो मॉडरेटली बेसिस होंगे, और अगर 12 to 14 है तो वो कैसा नेचर शो करेंगे, स्ट्रॉन्गली बेसिक नेचर शो करेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो पीएच, इसका पीएच वैल्यू कितनी है, 7.4 है। 7.4 हमारा किस रेंज में आता है, यहाँ पर 7 to 9, मीन्स ये कैसे होंगे, ये वीकली बेसिक नेचर शो करेगा। पर हमारी जो सलाइवा है बिफोर द मील उसका नेचर कैसा है, वो वीकली बेसिक नेचर पे है। सलाइवा आफ्टर मील, इसमें जब हमने पीएच पेपर को डिप किया हमें कौन सा कलर मिला, ग्रीनिश येलो मिला। इसकी पीएच वैल्यू है 5.8। 5.8 हमारा किस रेंज में आता है, यहाँ पर, मीन्स ये कैसा है, वीकली एसिडिक नेचर शो कर रहा है। नेक्स्ट है लेमन जूस। लेमन जूस में पीएच पेपर को डिप किया तो क्या होगा, ऑरेंज कलर मिलेगा। ऑरेंज कलर हमें कब मिलता है, जब पीएच वैल्यू हमारी 2.5 होती है, और 2.5 अगर हम रेंज को देखें तो यहाँ पर ये हमारा इस रेंज में आता है, मीन्स ये कैसा नेचर शो करेगा, स्ट्रॉन्गली एसिडिक नेचर शो करता है। नेक्स्ट कलरलेस एडिटेड ड्रिंक, जैसे हमारे पास में स्प्राइट रहती है, कलरलेस एडिटेड ड्रिंक होते हैं, तो इनमें जब हम पीएच पेपर को डिप करते हैं तो ये पीएच पेपर देता है ग्रीनिश येलो कलर। ग्रीनिश येलो कलर कब आता है, जब हमारी पीएच वैल्यू होती है 6, और 6 जो है कहाँ पर है आपका, देखिए 5 to 7 के बीच में, इस रेंज में आता है, तो ये कौन सा एसिड हो गया, ये वीकली एसिडिक नेचर शो करेगा। नेक्स्ट है कैरेट जूस। कैरेट जूस का कलर जो है वो ग्रीनिश येलो, इसकी वैल्यू जो है 5.6, और ये भी कैसा एसिड होगा, वीकली एसिडिक नेचर शो करेगा। ये कॉफी में अगर हम पीएच पेपर को डिप करेंगे तो पीएच पेपर का कलर कैसा हो जाएगा, ऑरेंज येलो हो जाएगा। इसका जो पीएच वैल्यू होगी, अप्रोक्सीमेट पीएच वैल्यू, यहाँ पर हम जो भी पीएच वैल्यू देख रहे हैं वो कौन सी है, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका पीएच वैल्यू कितनी है, 5 है। 5 पीएच वैल्यू मीन्स ये क्या है हमारे पास में, 5 जो होगा, 5 से 7 तक इस रेंज में आएगा, और ये कैसा एसिड है, वीकली एसिड है, तो ये वीक एसिडिक नेचर शो करेगा। टोमेटो जूस हम देखते हैं, टोमेटो जूस में अगर हम पीएच पेपर को डिप करते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाता है, ऑरेंज हो जाता है। इसकी पीएच वैल्यू, अप्रोक्सीमेट पीएच वैल्यू जो है वो 4.1 होती है, और 4.1 कैसा नेचर शो कर रहा है, यहाँ पर हम देखेंगे मॉडरेटली एसिडिक नेचर शो कर रहा है, तो ये मॉडरेटली एसिडिक नेचर का होता है। टैप वाटर, टैप वाटर में जब हम पीएच पेपर डिप करते हैं तो ये कैसा कलर शो करता है, ग्रीन कलर शो करता है। इसकी पीएच वैल्यू लगभग होती है 6.9 से 7.1 के बीच में, तो हम यहाँ पर देखेंगे 6.9 भी 7 के पास है, 7.1 भी 7 के आसपास की वैल्यू मिलती है, तो इसका कलर जो होगा वो कैसा आया, ग्रीन आया, और इसका नेचर कैसा होगा, ऑलमोस्ट न्यूट्रल टाइप का होगा। ये जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड में पीएच पेपर को डिप करते हैं तो ये वॉलेट कलर देता है। वॉलेट कलर यानी कि पीएच वैल्यू यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली कितनी होगी, 14 होगी, और 14 पीएच वैल्यू पर ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये स्ट्रॉन्गली बेसिक नेचर शो करता है। नेक्स्ट है हमारे पास में हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जब हम पीएच पेपर डिप करते हैं तो ये हमें डार्क रेड कलर देता है। जब पीएच पेपर का कलर डार्क रेड आएगा इट मीन्स इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी है, 0 है, और 0 वैल्यू पर कोई भी एसिड कैसा नेचर शो करता है,
स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर शो करता है। तो ये जो है ये क्या है, स्ट्रॉन्गली एसिडिक नेचर का होता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इस तरह से हम पीएच वैल्यू की हेल्प से पता लगा सकते हैं कि कौन सा एसिड जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है, या कोई बेस कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है। ये टॉपिक हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।